तो ओके गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें कि हम लोग को बताने वाले हैं कि कुछ मिथ और ग्लिचेस। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं, वैसे कितने होने वाले काउंट करके मैंने नहीं रखा है। तो ओके गाइस, फर्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को करना क्या होगा, आपको सीधा रैंप पे आ जाना होगा चैलेंज वाले मोड से, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सीधा गाड़ी को जंप कराना होगा, और बीच में लेके जाके गाड़ी आपको रोक देनी होगी। भाई जंप तो करा दी, बस सेफली लैंडिंग हो जाए उसके बाद करते हैं मिथ को। तो यहाँ पे देखते हो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे रोका, और भाई ये गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और जैसे मैंने सोचा चलो गाड़ी से निकल जाते हैं, और भाई एंड पॉइंट पे देख सकते हो हमारा। फिर से हम लोगों ने फिर से दूसरी कार से आए, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ सीन होने वाला था, लेकिन मैं कार से पहले ही उतर गया। और उसके बाद 7000 चिट कोड को डालना होगा यहाँ पे, और उसके बाद एक हायाबूसा आएगी, वो भी जंप करेगी। तो ओके गाइस, दूसरे मिथ को करने के लिए फिर से हमें मेगा रैंप पे आना होगा, और किसी भी बाइक को लाके, और यहाँ पे दीवार में अगर आप लोग भिड़ाओगे तो देख सकते हो बाइक का टायर सीधा नीचे जाता है, तो ये वाला भी कंफर्म है, तो जाके ट्राई करना। तो तीसरे वाले मिथ को करने के लिए आपको पुलिस वाले की कार लेनी होगी, और फुल स्पीड में जाके किसी भी कार में भिड़ा देनी होगी। देख सकते हो हमारा कैरेक्टर बाहर आ चुका है, और बाहर आने के बाद सीधा नीचे जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, तो ये फटाक से पूरी जंप कर देता है, वो भी अल्ट्रा सुपर जंप। अगले वाले मिथ को देखने के लिए यार, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। इस वाले मिथ में कोई भी कार अगर रैंडम में हमें मिल जाती है, तो उस पर हम लोग जाएंगे और उस कार का कलर चेंज करेंगे, और उस कार के साथ कुछ अजीब होगा। तो फटाफट से चल के देखते, देख सकते हो सामने से एक कार आ रही है। तो ओके गाइस, हम लोग कार के पास आ चुके हैं, फटाफट से चेंज करके देखते हो। भाई अभी कलर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो देख सकते हो भाई थोड़ा आगे जाने पे सब कलर का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पीली लंबोर्गिनी और सब कुछ मतलब ट्राई किया, और कार जीपी करके छोड़ दिया, पहली वाली को भी, दूसरी वाली को भी, और तीसरी वाली को भी। और देख सकते हो तीनों कार जा रही है, और तीनों में भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मिथ बस्टेड है, दूसरे मिथ की ओर चलते। ओके गाइस, इस वाले में हम लोग को थार के दोनों गेट को तोड़ना होगा, और बीच में से अगर हम लोग आरपीजी चलाएंगे तो आरपीजी मतलब कुछ भी नहीं होगा इस थार में। तो देखते हैं दोनों गेट को तोड़ते हैं, लेकिन ये दूसरा मिथ नहीं होने वाला है। आप लोग कमेंट में बताना कितने हो चुके हैं पिछले। तो ओके गाइस, थार की तो मस्त वाट लगी है, इसके दोनों गेट टूट जाने चाहिए, और देख सकते हो फाइनली इसके दोनों गेट टूट भी चुके हैं। और फटाफट से निकालते हैं और आरपीजी रख के मारते हैं, देखते भाई थार में कुछ होता है या नहीं। हम लोग को बीच में सेंटर से मारना होगा, और उससे भाई गोलियां बाहर निकल जाएगी, और थार में कुछ नहीं होता होगा। और भाई मैंने यहाँ पे देख सकते हो मस्त निशाना लगाया, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, वो जाके हैंडल पे लग गया और थार पूरी ब्लास्ट हो चुकी। तो देख सकते हो हम लोग दोबारा से आ चुके हैं, और फिर से देखते हैं भाई गेट वगैरह टूटता है या नहीं। देख तो मस्त वाली टक्कर, लेकिन एक सेकंड भाई इस बार तो एक ही गेट टूटा हुआ है। ओके गाइस, देख सकते हो थार के दोनों गेट टूट चुके हैं, वो भाई क्या क्या करके मैंने तोड़ा है मैं ही जानता हूँ। ओके गाइस, बहुत बात हो गई है, फटाफट से आरपीजी निकाल लिया हमने, और देखते भाई थोड़ा संभाल के निशाना लगाते हैं, ताकि साइड साइड में अगर लग गया भाई तो फिर से हमारी वाट लग जाएगी। तो देख सकते हो ये मिथ कन्फर्म है, देख सकते हो बीच से गोलियां निकल रही है, और थार में कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वाले में हम लोग को कार से उस कंटेनर पर टक्कर मारनी होगी, जिससे ट्रेन टकराती है तो पूरा फट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई हम लोग कार लेके आ चुके हैं, और यहाँ पे भाई बहुत ही जोरदार टक्कर होती है, लेकिन कोई भी नहीं फटता, और कार भाई वहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे कैसे आ चुकी। तो ये कंफर्म है कि अगर हम किसी भी कार से उस ड्रम में टक्कर मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और कार देख सकते हो भाई अभी ये हवा में तैर रही, क्या हो गया इसे। तो इस वाले मिथ में हमको पानी में बाइक को लेके आना होगा, और बाइक को पूरा डुबा देना होगा, ताकि हमारा कैरेक्टर भी डूब जाए, और पानी में बाइक से उतरना होगा, और थोड़ा देर तैरना होगा, फिर से बाइक पर बैठ जाना होगा, और उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। तो देखो भाई हमारा कैरेक्टर क्या हरकतें करता है। तो देख सकते हो हम लोग बाहर आ चुके हैं, और जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरेंगे भाई देख सकते हो ये भाई यहाँ पे जमीन पे भी तैर रहा है। तो ये वाला भाई मेरे को मस्त लगा, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताना, और आप लोग को भी कोई अगर मिथ हो ग्लिच पता है तो कमेंट में बताना, अगली बार आपका नाम लेके भी मैं ट्राई करूंगा। इस वाले को करने के लिए फटाफट से आपको एयरपोर्ट पे आना होगा, और एयरपोर्ट पे आने के बाद प्लेन के ऊपर एक साइकिल मंगानी होगी, और भाई फटाक से आपको प्लेन में बैठ जाना होगा। प्लेन में बैठने के बाद देख सकते हो भाई हम लोग वर्ल्ड के बाहर आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ और भी होता है, दूसरी बार ट्राई करते हैं। ओके गाइस, दूसरी बार हम लोग आ चुके हैं, और साइकिल भी ऊपर है, और देख सकते हो हम लोग प्लेन में बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और भाई देख सकते हो बैठने के बाद मतलब प्लेन खुद ब खुद इधर उधर पलटने लगी, मैंने रेस वगैरह कुछ भी नहीं दिया, आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो गेम भी पूरा क्रैश हो गया, वेस्टेड हो गया, हम लोग को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा अगले मिथ के लिए। अगले वाले को करने के लिए आपको सीधा मून ग्रेविटी को ऑन कर लेना होगा, जिसका कोड है 7172, देख सकते हो मैंने ऑन कर लिया। अब उसके बाद आपको एक हॉर्स मंगाना होगा। ओके गाइस, हॉर्स आ चुका है, अब देख सकते हो हम लोग हॉर्स को फ्लाइंग हॉर्स बनाएंगे, और हॉर्स पर बैठने के बाद आपको फटाक से जंप करनी होगी, और देख सकते हो हमारा हॉर्स हवा में उड़ रहा है, ये फ्लाइंग हॉर्स बन चुका है। और आप ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आप लोग मून ग्रेविटी को ऑन करोगे। तो अगले वाले मिथ में हमको मॉन्स्टर थार को मंगाना होगा, फटाफट से देख सकते हो मॉन्स्टर थार आ चुकी है। अब ये मून ग्रेविटी हो या कोई भी नॉर्मल, तब भी ये वर्क करेगा। तो देख सकते हो
जैसे ही मैं गेट खोल के अंदर बैठता हूँ, इस वाले में हमको गेट पे फटाफट से टच करना होगा और देख सकते हो हमारा कैरेक्टर जमीन पे जाएगा नहीं, फटाफट से उतरेगा हवा में और हवा में से फिर से कार में बैठ जाएगा। देख सकते हो मैंने 2-3 बार करके दिखा दिया, तो ये मिथ कन्फर्म है। तो गाइस यार अगले वाले को करने के लिए हॉर्स और मॉन्स्टर थार को बगल में खड़ा कर देना होगा, बैठने का सेम ऑप्शन आए तभी कार में हम लोग को बैठ जाना होगा। तो अभी देख सकते हो हमारा कैरेक्टर कुछ अच्छी जगह पर नहीं बैठा हुआ है, मतलब हम लोग जैसे बैठते कार में वैसे तो कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हो मैं जैसे थार को आगे बढ़ाता हूँ हमारा कैरेक्टर भाई कैसी हरकतें कर रहा है, देख सकते हो। मैंने सोचा कार के साथ साथ ये जाएगा, तो मैंने सोचा चलो मॉन्स्टर थार को पीछे करते हैं, और पीछे करने के बाद भी सेम टू सेम भाई ये यहीं पर रहता है। उसके बाद देख सकते हो हमारे हॉर्स की वाट लग जाती है। तो बताना भाई कैसा लगा ये वाला वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कोई भी मिथ हो तो।